नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश कुमार दोस्तों आपकी जानकारी ले बता दूं कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और मेरा ट्रांसफ़र हो गया है जहांगीरपुर के के ब्लॉक में पाँच साल तक प्रतिभा स्कूल में पढ़ाने के बाद फिर से के ब्लॉक में वैसे के ब्लॉक मेरे लिए नया नहीं है के ब्लॉक स्कूल में मैं साढ़े तीन साल पहले पढ़ा चुका हूँ क्योंकि मेरी पहली जुबानिंग दो में के ब्लॉक में ही हुई थी दोस्तों ट्रांसफ़र लेने के बाद बहुत याद आती है अपने पहले स्कूल की प्रतिभा स्कूल की स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस एस ओ एस सी की देखो दोस्तों माहौल में बहुत फ़र्क है प्रतिभा स्कूल का माहौल और जहांगीरपुरी का माहौल बहुत अलग है जहांगीरपुरी में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं और हर सेक्शन में बच्चों की जो स्ट्रेंथ वो भी बहुत ज़्यादा है और स्टाफ को तो हम देखो इतना जानते नहीं कुछ पुराने साथी हैं कुछ नए मिले लेकिन बहुत कुछ सीखा मैंने प्रतिभा स्कूल से और मैं यहाँ से चला जाऊँ और उनका मैं शुक्रिया अदा न करूँ जिन्होंने मुझे सिखाया जहाँ से मैंने सीखा उस कर्म भूमि का मैं शुक्रिया ना करूँ तो मैं कृतज्ञ कहलाऊँगा अनग्रेटफुल कहलाऊँगा दोस्तों सारा स्टाफ बहुत अच्छा प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे अगर मैं प्रिंसिपल साहब से शुरुआत करूं तो बहुत मजाक किए मेरा तो बहुत मजाक करते थे शुरू में तो बहुत लाड प्यार से रखा बाद में थोड़ा बहुत मजाक करना शुरू कर दिया चलो वो उनका स्वभाव है कि वो थोड़ा सा पॉइंट मार के भी बात कर देते हैं मजाक करते हैं और सारे साथी अच्छे हैं मैं किस किस का नाम लूँ मैं मुकेश कौशिक और जोगेंद्र जी जिनकी हमेशा के वाई सी के वाई सी नहीं उनको बोलते क्यू आई क्वालिटी इंडेक्स वो बहुत अच्छी आती थी बहुत ही हमेशा उनको जो है एक्सीलेंट मिला है क्योंकि उनके, उनके बच्चे बहुत अच्छी क्यू आई लेकर आते थे नाइन्टी फाइव नाइन्टी थ्री नाइन्टी एट मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री में आना बहुत अच्छा स्वभाव है सभी का मेरे साथी जिनके साथ में जाता था नरेश जी हैं अंकित जी हैं विनय जी हैं जोगेंद्र जी हैं गाड़ी में पुल था हमारा बहुत अच्छे हैं सारे और हमेशा वो जो है वहाँ शाम कोई है जिसमें कि पीते हैं वे बना करके जूस वगैरह क्या पिलाते हैं वहाँ पर मैंगो शेक या फलूदा क्या नाम है वो वहाँ कड़ी रोकते थे वहाँ पिलाते रहते थे अच्छी कोऑर्डिनेशन था सभी का और अंकित दो बेचारे अभी उनकी शादी नहीं हुई है उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं ये लोग और सभी अच्छे हैं अंकित भी अच्छे हैं और जो है विनय हमेशा पड़ता रहता था लेकिन जब भी मिलता मौका पॉइंट जरूर मारता था और नरेश जी तो चुप हड़े का नाम नहीं लेते दिल के साफ है वैसे नरेश जी बहुत ही जो है अपने आप को बाका छला माना जाता है उनका का भी हैंडसम बंदे माने जाते हैं स्कूल में और जो है हमारे साथियों में सभी मैडम्स इतनी मैडम्स हैं सभी बहुत अच्छी हैं बहुत ही नेक दिल बहुत ही अच्छी कोऑपरेटिव जैसे हम पीरियड में कोई काम है भाई क्लास संभालना या कोई कंप्यूटर से कुछ निकालना है कुछ हमें काम है तो बहुत ही नेचर बहुत ही अच्छे टाइम टेबल से लेकर कुछ भी है जो ऐसा स्टाफ मिलना बहुत ही मुश्किल है इज्जत करते हैं सभी एक दूसरे की यहाँ पर और नए साथी जो आए हमारे वो भी बहुत अच्छे हैं जिसमें भी कर मैं नाम लूँ तो अब नाम तो याद भी नहीं आ रहे हैं जैसे कि बहुत सारे और पुराने साथियों में हमारे नवीन जी हैं उधर रमनजीत जी बैठे हुए हैं ऊपर बैठते हैं वे और इसके अलावा जो है उमा मैम है नीलम मैम है अगर मैं नाम ही चलो याद आने आ गए शुरू हो गए नीलम मैम उमा मैम बहुत अच्छा जो है नेचर है इन दोनों का उमा जी तो जो है नमस्ते मुकेश जी कैसे हो आप आइए चाय पीजिए बहुत अच्छा नेचर ऐसे ही नीलम मैम का भी नमस्ते मैम हम जैसे नमस्ते करते हो भी नमस्ते मुकेश जी आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो कहाँ जाना है बहुत और सुमलता जी हैं प्रणौती जी हैं उनका तो जो है अपना सुमलता जी तो सरप्राइज़ नेचर की हैं भी उनको बात बात सरप्राइज़ हो जाती हैं भी और इस प्रकार से पंडोति जी की हँसी बहुत जो दूर तक उनकी हँसी जाती है और वहाँ बैठने वाली है, कमलेश वहां हैं कमलेश मैडम जी वहाँ बैठती हैं उधर नए स्टाफ रूम में उस प्रकार से ममता जी हैं बहुत अच्छी हैं उधर से जो है एक ज्योति नई लड़की अभी आई है और कृतिका जी हैं बहुत मेहनती हैं अपना लगे रहते हैं अपने काम से काम रखते हैं नीरज जी हैं एक बहुत ही क्यूट बंदे हैं हमारे नीरज जी और जो है इसके अलावा हमारे नवीन जी हैं मनोज जी हैं बहुत ही बस मिलनसार नेचर के हैं और इसके हम अगर बात करें तो राणा जी है नवीन पीटी जी नवीन जी को तो अभी वो मिला है नवीन जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको वो मिला है क्या बोलते हैं उसको जो राष्ट्रीय सॉरी स्टेट टीचर अवार्ड मिला है अभी अभी पाँच सितम्बर को उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो और अपने संजीव जी हैं इधर प्रवीण जी बैठे रहते ऑफिस में और उनका एक डायलॉग है कि भाई वो खिला दो ढोकला ढोकला खिला दो बिल लगा देंगे आज तक उन्हें ढोकला नहीं खिलाया जैसे उन्होंने बिल हर बार लगाया अपने जो सेक्शन ऑफिसर साहब हैं हमारे डी साहब वो भी बहुत अच्छे हैं अपना जब भी कोई काम जाते मुकेश जी मेरा भी ये हो गया मेरा भी हो अपना एग्जाम्पल पहले दे देते हैं चलो नेचर के बहुत अच्छे हैं बेचारे इसके अलावा जो है हमारे कोम्पल जी हैं उधर सुषमा जी हैं सुषमा जी बेचारी कहते सर मुझे कुछ नहीं आता और मुझे बना दिया गया कोऑर्डिनेटर बेचारे बहुत अच्छा संभाल रही हैं सुषमा जी भले उन्हें कंप्यूटर कम आता हो पर बहुत अच्छा चला रही बहुत ही सब है बेचारी बहुत ही विनम्र हैं मुनेश मैम है राधे राधे उनके मुँह पर रहता है लाइब्रेरी मुनेश मैम बताती रहती हैं कि कब जो है पूर्णमासी का व्रत कब कर रखना करवा चौथ का व्रत कब रखना मतलब बहुत हेल्पफुल है नेचर में निशा जी हैं पीटी हमारी निशा जी वो भी जो है बहुत ही हेल्पफुल है अपना ये हाइट वेट करना बच्चों का खिलाना उनको वो लड़कियों को बॉक्सिंग वॉक्सिंग वो अपना सेल्फ डिफेंस का करवाता करवाते रहना ये बहुत अच्छे अपने दो साथी हमारे चले भी गए हैं जैसे वो यहाँ से मेरे साथ ही गए हैं जितेंद्र जी और अमन जी उनकी बहुत खास जोड़ी थी दोनों दोस्त थे वे एक साथ ही जाते थे जहाँ भी जाते थे अब दोनों ही यहाँ से चले गए लेकिन अलग अलग स्कूल में गए हैं अपना संगीत के बादशाह थे हमारे अमन जी तो वो समय समय पर कुछ उनको सुनाते रहते थे ऐसे जितेंद्र जी अपने तैयारी वैयारी करवाते थे प्रोग्राम की तो जितने भी स्टाफ मेंबर थे बहुत ही अच्छे स्टाफ मेंबर हैं कुछ साथी चले गए यहाँ से उमा जी चली गई जिस प्रकार से जितेंद्र जी अमन जी चले गए मैं भी चला गया यहाँ से गोविंद जी बिल्कुल डेडिकेटेड बंदे थे गोविंद जी संस्कृत के और मतलब जो है चाहे उनको दस बज जाए स्कूल में कोई काम तो रुक जाते थे बेचारे कभी इन्होंने काम से इनकार नहीं किया गोविंद जी ने तो और भी साथी रह गए जिनका मैं मोहन जी मोहन जी भी जो है जो काय जाता है तो मोहन जी करते थे उस काम को उनके पास पता नहीं क्या टेक्निक होती थी कोई भी टेक्निकल काम है वो मोहन जी निकाल देते थे, थे इसका सोल्यूशन के पास मिल जाता था मोहन जी के पास और इसी प्रकार से जो है और कौन साथी रह गए भाई अगर कोई रह भीगा तो प्लीज़ बुरा मत मानना इसके अलावा जो है अगर मैं बात करता हूँ क्लासेस की देखो सभी क्लासेस का तो नहीं पता क्योंकि जिनको हम पढ़ाते हैं उन्हीं के बताएंगे अब नाइन्थ को तो नहीं पढ़ाया अब टेंथ में टेंथ सेक्शन हैं ए सेक्शन है। के बच्चे तो है ना जब भी ए हमें मिली है थोड़ा सा शरारते ही मिले हैं बच्चे पता नहीं क्यों और हर बार ए सेक्शन के साथ नरेश जी होते थे चलो नरेश जी भी वैसे बहुत ही लड़ले टीचर हैं ऐसी बात नहीं बच्चों बहुत प्रिय हैं अभी और जो है बी सेक्शन और सी सेक्शन थोड़ा कंपेरेटिवली अच्छे मतलब शरीफ या शरारत न करने वाले हैं और सुन लेते हैं टीचर की बात ठीक है मैं तो सी सेक्शन का इंचार्ज था फिर वो तोड़ के भी बना दिया गया उसका तीन के दो सेक्शन बना दिए गए फिर भी अच्छी क्लास है और मेरी क्लास तो जैसे कुछ बच्चे थे इधर उधर घूमने वाले उनको थोड़ा सा टाइट किया तो सब अच्छे हो गए बच्चे आप सभी बहुत अच्छे हो चुके ए सेक्शन है बी सेक्शन है कोई सेक्शन है एलेवंथ ए और बी भी मेरे पास था तो ये चारों सेक्शनों के बच्चे बहुत ही अच्छे थे भाई कुछ बच्चे होते हैं हर क्लास में शरारती वो धीरे धीरे टाइम के अनुसार ढल जाते फिर वो मानने लग जाते हैं बात अब उनको बुरे क्यों होता है कोई बच्चा बुरा नहीं होता वो उनको उनके छोटे मोटे दोस्त उनको थोड़ा बहुत वो हवा दे देते हैं उनका एन्वामेंट हवा देता बाकी सारे बच्चे अच्छे हैं समझदार हैं भाई बच्चे बहुत अच्छे तेरे बच्चे मुझे बहुत ही याद आते हैं आप लोगों की जब मैं वहाँ देखता ना स्कूल में बच्चों को तो मुझे आप लोगों के चेहरे याद आते हैं या मिनटों में काम कर देते थे आप लोग जब भी कोई आपको काम बताया अपना काम तुरंत कर दिया इंग्लिश कितनी ज़बरदस्त थी आप लोगों की आप दस मिनट में दो पेज लिख देते थे इतने मतलब मैं भी हैरान होता था मैं हैरान हो जाता था कि बच्चे कैसे लिख देते हैं इतनी फास्ट तो बच्चों आप लोगों को मैंने तैयार किया इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा है मेरे तो बस गाइडेंस है तो देखो इंग्लिश इंग्लिश को बनाए रखना भाई आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है इसको कायम रखना आप थ्रू आउट कायम रखना आप इसको और मेरे साथियों आपकी बहुत याद आती है मुझे हम भूल नहीं सकते आपको बहुत ही कॉपरेटिव नेचर है एमिकेबल नेचर है आप लोगों का और ऐसा स्पोर्टिव नेचर आप रखना सभी के साथ और जब भी याद आया तो आप हमें फ़ोन कर सकते हो मेरे सभी साथी एस ओ सी के और आर पी वी के बहुत ही अच्छे हैं और मैं उन सबको याद करता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो हु, मेरे दोस्तों मेरे साथियों तो मुझे माफ़ कर देना और मेरे बच्चों आप मेरी बात को ध्यान रखना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती मेहनत करते रहना आगे बढ़ते रहना और जब भी कोई इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैं आपकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा आप हमें बेशक से भूल जाओ मेरे दोस्तों मेरे विद्यार्थियों पर मैं आपको नहीं भूलूंगा मैं आर को नहीं भूल सकता मैं एस को नहीं भूल सकता मैं अपने अच्छे साथियों को और अच्छे बच्चों को नहीं भूल सकता धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद